तो स्वागत है आप सभी का प्रिया फूड पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सैंडविच, जिसको बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 उबले हुए आलू, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और ये हमने लिए हैं ब्रेड। आलू सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला बनाकर तैयार करना है, जिसको हम कढ़ाई में तैयार करेंगे। तो चलिए हम मसाला को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, जीरा, प्याज, इसको हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे, टमाटर, जब टमाटर अच्छे से पक जाए तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने बारीक काट लिए हैं, इनको मसल कर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ताकि जो भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से मिल जाए। आलू सैंडविच के लिए मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इससे आलू सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड लेंगे जिसमें इस मिक्सचर को पेस्ट कर देंगे अच्छे से। इसको पूरे में अच्छे से फैला देना है। अब इसके ऊपर एक और ब्रेड रख के इसको हम बंद कर देंगे और अभी सेकने के लिए तैयार है। तवे में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसको पूरे में अच्छे से फैला देंगे, लो फ्लेम पर सेक लेना है। इसको चारों साइड से इस तरह दबा देना ताकि ये अच्छे से सिक जाए। आप देख सकते हैं ये साइड अच्छे से सिक गया है। तो हमारा आलू सैंडविच बनकर तैयार है। तो आप भी आलू सैंडविच घर पर बनाकर तैयार करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है और इसका टेस्ट भी उतना ही क्रिस्पी और क्रंची होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।